और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां लगातार जारी है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस समय कुमाऊं के दौरे पर है और पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है, साथ ही 270 मंडल पर कार्यकर्ता आम जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस एक्टिव मोड में हो जाती है, लेकिन बीजेपी पिछले 5 वर्षों से लगातार चुनाव की तैयारियों में है। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का भी दावा उन्होंने किया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के हुंकार तो कांग्रेस को पता, कांग्रेस के हुंकार तो कांग्रेस को पता है कि कितनी हुंकार है, उस हुंकार में कितना दम है, कितना वेट है, ये कांग्रेस के नेता भी जरूर जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 11,447 बूथों पर मजबूत है और 270 हमारे मंडल हैं। हमारे कार्यकर्ता निरंतर संपर्क और संवाद में लगे हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार पन्ना प्रमुख की जो हमारी टीम है बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, वो लगातार जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ में हैं। कहीं सम्मेलन है, कहीं जिला सम्मेलन है, कहीं मंडल सम्मेलन है, कहीं प्रदेश पदाधिकारियों की बैठकें निरंतर चल रही है और हम ये काम निरंतर 5 वर्षों से कर रहे हैं। कांग्रेस तो अभी 2-3 महीने से ही अपनी उनकी सुगवार शुरू हुई है कि चुनाव सामने आ गया है, उनके पास न प्रत्याशी है, न कार्यकर्ता है, न उनका प्रदेश का कोई संगठन मजबूत है, सब एक दूसरे के जिताने में हराने में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस की चिंता कांग्रेस को करने दीजिए, जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और जनता का आशीर्वाद इसने भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा बना हुआ है।